बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इज़राइल पर प्रकट होने से पहले, वो कहां था? वो लिखा इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगलों में रहा। क्यों जंगलों में रहा? उसे जंगल में रहने की क्या जरूरत है जब शहर उसके करीब हो? तो अगर मैं आज आपसे कहूं जाओ सिर्फ उस पहाड़ी पे रहना, नीचे नहीं उतरना जहां खाने पीने का सामान भी अच्छी तरह से नहीं मिलता, आप कभी जंगल में मूली पकड़ के खा रहे हो, कभी शलगम पकड़ के खा रहे हो, आपके दोस्त फेसबुक चला रहे हैं, आपके दोस्त शहर में घूम रहे हैं और परमेश्वर बोले नहीं यहां से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है वो आपकी तैयारी भी उस रीति के साथ करते हैं। हाँ या ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इज़राइल पर प्रकट हों और परमेश्वर के रास्तों को साफ करें और एक नॉर्मल जीवन जी के आप आगे आ जाएं। इसलिए मैं लिखता हूं अपनी फेसबुक पे भी, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी डिसाइपल नहीं बन सकता। वो दिख सकता है डिसाइपल, लेकिन जब उसका टाइम आएगा वो डिसाइपल नहीं होगा, उस पर डिसाइपल का मसा नहीं होगा, लोग देखेंगे उसे कि मसा कहां है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने बारहों को चुना तो उन्हें डिसाइपल कहा, यानी डिसिप्लिन में से निकला हुआ एक डिसाइपल। अगर आप ऑलिव को, जैतून को कंफर्टेबली रखेंगे उसमें से कभी तेल नहीं निकाल सकते आप, लेकिन अगर आप उसे क्रश करेंगे तो उसमें से तेल निकलता है। आज लोग परमेश्वर के लिए बड़े काम तो करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अधीनगी में, उस तरह के क्रशिंग में नहीं निकलना चाहते, और बिना क्रशिंग के कोई भी तेल नहीं है आपकी लाइफ में। और जब परमेश्वर आपको विजन देता है आप उसके बारे में सोच नहीं रहे होते, जब वो आपको प्रोफेटिक वर्ड देता है चर्च में, आप उसके जो रियल प्रोफेटिक वर्ड होता है, वो फेसबुक वाला नहीं जो फेसबुक से देख के बोलते हैं लोग, वो नहीं, असली वाला, तो आप सोचते नहीं हो आपने क्या बोलना है, होली स्पिरिट आपको बताता है आपने क्या बोलना है। हालेलुया। लेकिन इतनी बड़ी अगर परमेश्वर आपको विजन दे, अगर वो आपको यूहन्ना बनाना चाहता है या आपको एलिया बनाना चाहता है या एलिशा बनाना चाहता है, वो आपसे वो प्राइस भी लेगा। आमीन। आप मजे मर्सिडीज के लेना चाहते हो और प्राइस एल्टो का देना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है जब एलिया ने एलिशा को बुलाया कि मेरे पीछे चल, तो एलिशा ने लिखा अपने अपने बैलों को कुर्बान किया। किया कि नहीं किया? क्यों? कि कहीं मुझे पीछे ना जाना पड़े, मुझे फोन ना करें, मैसेज ना करें कि भाई तेरा वो फलाना बैल बीमार हो गया, दो मिनट आजा बस देखने के लिए, आज तरफ लाना बैल थोड़ा बीमार है, आजा दो मिनट देखने के लिए, देख के वापिस चला जाए। उसने सभी बैलों को कुर्बान किया ताकि जब वो परमेश्वर की सेवा में जाए, अगर उस, क्योंकि जब आप सेवा में जाएंगे निराशा आएगी, आप प्रभु में बढ़ेंगे निराशा आएगी। प्रातःकाल तेरी करुणा का, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह का मतलब है जब आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती, जब आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी होती, कहता तब मेरी करुणा का, पर जब तेरी जिंदगी में रात आए तो मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब वो समय जब आपकी लाइफ पीछे हो, आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा हो, बीमारी आपके सामने हो, बावजूद इसके कि आप पवित्रता में चल रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, बावजूद इसके कि आप बो रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर रात में तू चल रहे तो उस रात में तू मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप अपनी बीमारी में भी, कुछ लोग हैं अपनी बीमारी में मसीह के साथ वफादार रहने के बावजूद भी वो अपनी बीमारी में टिके हुए हैं प्रभु से, एक ये तरह के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं पर बेस्ट नहीं। बेस्ट वो हैं जो अपनी बीमारी में अड़े रहने के बावजूद भी चंगाई का प्रचार भी साथ साथ कर रहे हैं, ये बेस्ट तरह के लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा 30 गुना 60 गुना और मैं तुम्हें 100 गुना फल दूंगा। ये चर्च को मैं मसा करता हूं 100 गुना फल लेके आने के लिए, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपकी बॉडी, आपकी सेवकाई समेत, अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी ही।